चैनल नंबर वन चैनल, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर वन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जो कि है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के बारे में। इसमें एक न्यूज़ आई है आज के अखबार में ही, जो कि आज ही की न्यूज़ है। तो चलते हैं इसे कटिंग की तरफ कि क्या इसमें कहा गया है। कछुआ चाल, जिले की 855 छात्राओं को इंतजार। अब ये केवल एक जिले की छात्राओं को इंतजार नहीं है, सभी लड़कियों को इंतजार है। इसलिए ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सभी को इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पर दबा देना। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। देखिए, कागजी प्रक्रिया में उलझी स्कूटी योजना, यानी कि जो स्कूटी योजना है वो अभी केवल कागजों में ही सिमट रही है। ये जो इसकी कार्यवाही है वो आगे नहीं हो पा रही है, ये आप लोगों को पता है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि आप लोगों को लगभग 3 साल हो गए हैं इसका इंतजार करते हुए। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने भरा था और फाइनल ईयर आप लोगों की चल रही है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। दौसा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की स्कूटी योजना कागजी प्रक्रिया में उलझी हुई है। रफ्तार इतनी धीमी है कि अब तक 2020-21 में आवेदन एवं वरीयता में आने वाली छात्राओं को ही स्कूटी नहीं मिली है। 70 बीतने के बावजूद स्कूटी नहीं मिलने से छात्राएं मायूस हैं। चयनित छात्राओं का कहना है कि स्कूटी का वितरण शीघ्र करना चाहिए, यानी कि जिन भी लड़कियों का नाम फाइनल लिस्ट में आ चुका है उनका कहना है कि हमें स्कूटी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। वो निराश हैं एक तरीके से। जिले में वर्ष 2020-21 में देवनारायण योजना के तहत 197 तथा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 535 सहित अन्य योजना की 123 छात्राओं को स्कूटी दिया जाना है। अब इसमें बताया गया है कि किस किस योजना से कितनी कितनी स्कूटियां आप लोगों को दी जानी है। तो सभी के अंदर आप लोगों की जो स्कूटियों की संख्या है वो इसमें बताई गई है। ओनली एक जिले के बारे में ये बताई गई है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, कालीबाई स्कूटी योजना वाली इसमें 535 स्कूटियां हैं, देवनारायण वाली 197 हैं, और प्रियदर्शनी एवं अन्य जो योजनाएं हैं उनसे 123 स्कूटियां दौसा जिले के अंदर मिलनी है। इसी प्रकार से सभी जिलों की अलग अलग हैं, ठीक है। वो सभी आप लोग लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। और बहुत सी लड़कियाँ बोल रही थी कि सर हमें प्रूफ दिखाओ कि हमारी स्कूटियाँ हमारे जो नोडल विभाग है वहाँ पर आ चुकी हैं। तो इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर प्रूफ भी दे रखा है। आप लोगों को जिनको प्रूफ चाहिए वो प्रूफ देख सकते हो। दौसा महिला कॉलेज में तैयार रखी स्कूटी आप लोग दे सकते हो। ये नोडल विभाग जो 200 का है वहाँ पर स्कूटियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अब आप लोगों को विश्वास आ चुका होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी नोडल विभागों में लगभग लगभग स्कूटियाँ पहुँच चुकी हैं। अब आगे क्या कहा गया है, 70/2021-22 की अस्थायी वरीयता सूची जारी। आप लोगों को पता है कि जो 70/2021-22 है उसकी वरीयता सूची जारी हो चुकी है, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बना दिया है। और 19 अक्टूबर तक इसके जो संशोधन हैं वो आप लोग करवा सकते हो। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो पर जाने के लिए अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। और अगर आप लोगों को भी यूट्यूब चैनल पर जुड़ना है और इन योजनाओं से अपडेट रहना है तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पर जुड़ जाना या टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाना, ठीक है। अधिकारी प्राचार्य ज्योत्सना श्रीवास्तव, अब देखिए जो नोडल विभाग है दौसा का उसके लिए बताया गया है। नोडल अधिकारी वहां के प्राचार्य ज्योत्सना श्रीवास्तव तथा संयोजक डॉक्टर विजय कुमार और सदस्य डॉक्टर पवन कुमार, डॉक्टर ललिता बैरवा, डॉक्टर अंकुश मीणा व डॉक्टर राकेश अवस्थी हैं। सूत्रों के अनुसार स्कूटी कंपनी की ओर से दी जानी है, लेकिन उसकी कागजी प्रक्रिया परिवहन विभाग व कॉलेज आयुक्तालय को मिलकर के करनी है। कुछ स्कूटियां तैयार वितरण के इंतजार में कॉलेज में भी हैं। तो ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो कि आपकी स्कूटियां हैं वो तैयार रखी हुई हैं, वितरण के लिए तैयार हैं। और भी प्रूफ अन्य जिलों को मैं आप लोगों को आगे दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें आगे चलते हैं। देखिए, किस महाविद्यालय से कितनी कितनी स्कूटियां हैं वो भी इसमें दे रखा है, ओनली दौसा जिले के लिए दे रखा है, लेकिन ये ठीक है। देखिए, इसमें सभी जितने भी इस कॉलेज हैं उन सभी का नाम दे रखा है कि किस कॉलेज में कितनी स्कूटियां मिलनी हैं। पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज से 288 हैं, राजेश पायलट पीजी कॉलेज से 196 हैं, राजेश पायलट पीजी कॉलेज बांदीकुई से 124 हैं, राजकीय महाविद्यालय सिकंदरा से 51 है, राजकीय महाविद्यालय महुआ से 93 है, श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला कॉलेज दौसा से 101 है। इसी प्रकार से सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी में ये स्कूटियाँ वितरित की जानी हैं, और सभी में इनकी संख्या अलग अलग है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए ये न्यूज़ एक तरीके से रहने वाली है।
यह है आवेदन की पात्रता। स्कूटी योजना के लिए आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग तो पुराने स्टूडेंट हो कि आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड से जो है उनके 65% मार्क्स होना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड से उनके 75% मार्क्स होना चाहिए और आय 2.5 लाख से रुपए 2.5 लाख रुपए से आप लोगों की कम होनी चाहिए। मेरिट के आधार पर इसका लाभ आप लोगों को दिया जाता है। और अब इसके लिए जो नोडल अधिकारी हैं दौसा के डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव, उनसे जब न्यूज वालों ने बात की तो उन्होंने क्या बोला स्कूटी वितरण के संबंध में, तो देखिए। शीघ्र ही वर्ष 2020-21 में आवेदन करने वाली पात्र छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। 2021-22 की अस्थायी पात्रता सूची जारी हो गई है। आपत्तियां 19 अक्टूबर तक दर्ज करवाई जा सकती है। छात्रा द्वारा किसी प्रकार की कोई जानकारी छिपा करके अगर स्कूटी प्राप्त की जाती है तो उनके ऊपर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो स्कूटियां वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है वो दीपावली के बाद आयोजित होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेने वाली है क्योंकि आप लोगों की स्कूटी वितरण की जो डेट है वो मैंने आप लोगों को दे दिया। दीपावली बाद में आप लोगों की स्कूटियां आप लोगों को मिल जाएंगी, यानी कि नवंबर मंथ में आपकी स्कूटियां आपको कन्फर्म मिल जाएंगी, ठीक है। अब बहुत सी लड़कियां बोल रही थी सर हमें तो विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि हमारे कॉलेज में तो स्कूटियां नहीं है। तो आप लोगों की कॉलेज में नहीं है स्कूटी, आपके नोडल विभाग में स्कूटियां हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक दो प्रूफ और दिखाता हूं जिनकी फोटो मैंने आप जैसे बच्चों ने ही भेजी थी कि सर हमारे भी कॉलेज में स्कूटी आ गई, तो उनकी फोटो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो चलो उनकी फोटो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखिए ये फोटो मुझे आप ही के जैसे बंधों ने भेजी हैं, किसी बहन ने भेजी थी बाड़मेर से, ठीक है। तो बाड़मेर में भी स्कूटियाँ पहुंच चुकी हैं। इसी प्रकार से अन्य ज़िलों से भी मेरे पास में फ़ोटो आई थी लेकिन वो मेरे पास अब ढूंढना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस इन्हीं के अंदर आप लोग संतुष्ट हो जाएं और मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करें। थैंक यू, धन्यवाद।